दोस्तों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको प्रोटीन पाउडर के फायदे क्या हैं ये बताएंगे और घर पर प्रोटीन पाउडर को कैसे बनाया जा सकता है ये भी आपको इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, जब लोग प्रोटीन को खाद्य स्रोतों से प्राप्त नहीं कर पाते तब वो प्रोटीन पाउडर को प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो लोग कसरत नहीं करते हैं वो अपना डेली प्रोटीन खाद्य पदार्थों से ले सकते हैं, लेकिन जो लोग कसरत करते हैं उन्हें ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है क्योंकि उन्हें मसल्स बनाने होते हैं। ऐसे में अगर वो उनकी जरूरत का प्रोटीन खाद्य चीजों से पूर्ति करें तो उन्हें सारा दिन खाना पड़ता है। ऐसे में वे इस समस्या से बचने के लिए प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं। प्रोटीन की पूर्ति घर पर कैसे कर सकते हैं ये बताते हैं। आप प्रोटीन दाल, बादाम, चावल, चना, पनीर, दही, अंडा, मांस और मछली से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें काफी भरपूर प्रोटीन होता है। आप सोयाबीन, दलिया, बढ़िया प्रोटीन ले सकते हैं। आपको किसी पाउडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको बताते हैं कि प्रोटीन क्यों खाते हैं। हमारे शरीर के जो मसल्स होते हैं वो स्वाभाविक रूप से उम्र के साथ कम होते हैं। ऐसे में उच्च प्रोटीन खाद्य पदार्थों का नियमित सेवन आपके शरीर को पर्याप्त ऊर्जा दिलाने के साथ ही आपके मसल्स को बनाए रखता है। इसके लिए आप उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन का उपभोग कर सकते हैं। पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन का सेवन करने से वयस्कों में मांसपेशियों के आकार और ताकत में काफी सुधार होता है। दोस्तों, कई बार हमारे शरीर में मांसपेशियां टूट जाती हैं, यानी कि आप अगर कोई भारी भरकम काम करते हैं तो उससे आपके शरीर में मांसपेशियां टूटती हैं और धीरे धीरे दुबलापन आता है। तो ऐसे में आप प्रोटीन पावर की सहायता ले सकते हैं, इससे शरीर में मसल्स की मरम्मत होती है। जब हम प्रोटीन से भरपूर कोई चीज खाते हैं तो हमारा शरीर उसे पचाने के लिए काफी समय लेता है। प्रोटीन काफी देर से पचता है, इसलिए जो लोग वेट लॉस करते हैं वो चर्बी को जलाने के लिए प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं। कई बार गर्भावस्था में भी प्रोटीन खाने की सलाह दी जाती है क्योंकि गर्भावस्था में प्रोटीन खाने से माँ और बच्चे का सही से विकास होता है। तो अब जान लेते हैं घर में प्रोटीन कैसे बनाएं। सामग्री: 1 कप बादाम, 1 कप ओट्स, 1 कप दूध का पाउडर और 1/2 कप चिया के बीज। इन चारों को लेकर मिक्सी में पीस लें ताकि ये पाउडर बन जाए और लीजिए, आपका प्रोटीन पाउडर तैयार हो गया। हर दिन इसकी 4 चम्मच आप दूध, दही या शेक के साथ पी लें, इससे आपका शरीर सुडोल और मस्कुलर बन जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको जानकारी दी कि हमारे शरीर को प्रोटीन की जरूरत क्यों होती है और आप अपने घर में प्रोटीन कैसे बना सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो लगातार आप तक भेजते रहें और इसके साथ साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को प्रोटीन के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल हो और इसके साथ साथ ये भी पता चले कि प्रोटीन क्यों जरूरी है और आप घर में कैसे प्रोटीन बना सकते हैं। धन्यवाद।